अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान सीपीए की जानब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पीएसीपी जो है उनकी तरफ से बादना में एक ऑफिस जो है उसको सील कर दी है। और हंसी आप समझ रहे हैं, आपको हमेशा कहते हैं कि भैया ये ट्रैवल टूरिज्म वीज़ा की जो कंपनीज हैं उनके मतलब थोड़ी बहुत जान पहचान कर लें। आपने जाना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, यूरोप, हर जगह पे जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तहकीक, थोड़ा सा वक्त जो है इन चीज़ों पे नहीं लगाना चाहते। बहुत सारे तो लोग ऐसे भी हैं, पाया ना लो पैसे, लो डॉक्यूमेंट, वीज़ा लगवा दो, खुद आते नहीं है, पता ही नहीं है, जानना भी नहीं चाहते। नहीं जी, बस बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है तो हो जाएगा। अब ये लाइसेंस थोड़ी है, ठीक है ना। वो साइकिल वाला था लतीफ़ा, याद उन्हें, उन्होंने कहा जी ये ब्रेक वाला काम नहीं कर दी, ठीक है ना। सो कोशिश करें कि कहीं ना कहीं से तस्दीक कर लें कि ये कंपनी कैसी है, इनकी रेपुटेशन कैसी है। आसान तरीका क्या है, बाहर खड़े हो जा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, आपको पता चल जाता है। आने वाले जाने वालों से बातचीत करें, तुम्हें पता लग जाना है कि की हो रहा है, ठीक है। अच्छे की रिपोर्ट होगी तो लोग आपको बताना शुरू कर देंगे, बुरे की होगी तो वो भी बताना शुरू कर देंगे, फिर जाके खुद बात कर लें, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। नहीं तो पहले मेरे को और आ जाए करो, फिर तुझी कंपनियों को जाके जड़ा ना सुन लिया करो। और जहाँ पर कोई आपसे 1 रुपया भी ले ले, ठीक है, बार्गेनिंग हो गई जी, 1,000 नहीं दे सकते, 500, 500 नहीं, 250, 250 नहीं, 150, 125, 110 भी, वहाँ से आपने भाग जाना है, वो आलू होता है, ठीक है। सही काम करने वाले लोग जो हैं उनकी पहचान थोड़ी डिफरेंट होती है, कभी कभी ट्रेंड भी कराते नहीं, ठीक है। सो बाकी क्या क्या, अब वो उन्होंने क्लोज कर दी क्योंकि वो सर्विसेज जो है प्रॉपर नहीं दे रहे थे जो पब्लिक को देनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा कंप्लेंस थी उनके खिलाफ, इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट एक वक्ती तो उन्होंने उनको बैन कर दिया और सील कर दिया गया सब कुछ। सो बाकी लोग भी जो हैं वो थोड़ा मोहतात रहें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फाइल किया हुआ, केस किया हुआ, केस किया हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं रहा क्योंकि अगले भी मार्केट में बैठे ने उन्होंने सारे दादा पा पता है। वो आपको फिर डॉक्यूमेंट जो दिखाते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते, ठीक है, फिर आप कहते हैं कि उस्ताद जी हेलो सारना तो हाथ तो हो गया, सही है। इसलिए कहीं पे भी पैसे दें तो आपके पास पूरा एविडेंस होना चाहिए और उसके बाद पूरी जो लिख पढ़ की हुई है वो पढ़ना आप समझना आना चाहिए आपको, ठीक है। वरना घुमा फिरा के थोड़े को 100, 125, 150, 200, 400 एवं सीवी बनाने का भी लोग चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, ठीक है। सो देखते हैं आप लोगों के लिए मज़ीद हम कोई अच्छा बंदा ढूंढेंगे जो आपके लिए वीज़ों चीज़ों का तो कोई रियल हो ना, जो आपको एक स्पॉट से जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और इन लोगों के ख़िलाफ़ आपने करना है, कहीं से भी किसी ने भी आपके साथ फ्रॉड किया है उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। जितना ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट उनके ऊपर चांस लेने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। जाकल्ला, अल्लाह हाफिज़। उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जाकल्ला।